तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पिकजोन एप्लीकेशन पे अपने प्रोफाइल पर ब्लू टिक कैसे ले। हालांकि यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर ब्लू टिक जो होता है वो ग्रीन कलर में आता है, तो इसे हम बोलेंगे कि ग्रीन टिक कैसे ले। ठीक है, तो अपने प्रोफाइल पर पिकजोन एप्लीकेशन पे ग्रीन टिक लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से आपको ग्रीन टिक मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके साथ साथ ग्रीन टिक के क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम जाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और ग्रीन टिक लेने के जो क्राइटेरिया है मैं फुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर, तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। हम जाएंगे पिकजोन एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो पिकजोन एप्लीकेशन पर आपको सबसे पहले अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद सबसे पहले मैं ब्लू टिक वाली मेरी जो आईडी है ग्रीन टिक वाली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने दूसरी आईडी बनाई है जिसमें आपको रिक्वेस्ट जो है वो करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर मेरी जो ओरिजिनल आईडी है इस पर मुझे जो ग्रीन टिक मिला हुआ है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो किरण प्रजापति के मेरी ये ओरिजिनल आईडी है और नाम के पीछे आप ऊपर देख सकते हो ग्रीन टिक मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने प्रोफाइल पर ग्रीन टिक लेना चाहते हो पिकजोन एप्लीकेशन में तो आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर लास्ट में आपको मोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना है और ऊपर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले, तो इस पर क्लिक करना है और नीचे आप माय प्रोफाइल के नीचे आप देख सकते हो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपको क्या क्या बनना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल फ़ोटो लगा देना है। ओरिजिनल फ़ोटो मतलब कि आपने इंस्टाग्राम पर जो यूज़ किया है फ़ोटो प्रोफाइल में वहीं यहाँ पर लगाना ताकि आपको जल्दी से जल्दी ब्लू टिक मिल जाएगा यानी कि ग्रीन टिक। ठीक है, इसके बाद आपका फुल नेम यानी कि ओरिजिनल नाम आपको जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देने वाले हो उसमें जो भी नाम है वही नाम यहाँ पर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी डॉक्यूमेंट में मौजूद है वही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या कोई भी अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो इसे आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो अगर गैलरी में मौजूद है तो गैलरी वाला क्लिक कर देना है, ऐड इमेज टू गैलरी। ठीक है, तो ये डिटेल डालने के बाद आपको चूज फाइल में जाके अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लेते हो सिलेक्ट करते हो वो अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी इतनी मौजूद है तो मैंने कॉमेडी सिलेक्ट कर दिया जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, जो वेरीफाई का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ईमेल आईडी जो भी यहाँ पर आपने दिया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर आपको देने के लिए बोला जाएगा, तो वो कोड आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर देना और इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल लिंक होता है वो यहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ पर सब कुछ डिटेल एक बार चेक कर लेने, सारी की सारी डिटेल सही है तो नीचे एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबमिट कर दोगे तो आपका जो प्रोफाइल होगा वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और 15 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट यानी कि जो अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, तो अपना ग्रीन टिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी डिटेल सारी की सारी सही है, अपने जो प्रोफाइल पिक्चर लगाई है वो एकदम इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से मैच होती है तो तुरंत आपको मिल जाएगा अपने प्रोफाइल पर ऐसे ग्रीन टिक। आप देख सकते हो मेरे मोबाइल पे, तो यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हो किरण प्रजापति के सामने एक ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो ग्रीन टिक आपको भी मिल जाएगा। ग्रीन टिक के क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर व्यूज़ अच्छे आते हैं। आप देख सकते हो ग्रीन टिक मिलने के बाद अपने प्रोफाइल पर व्यूज़ अच्छे आते हैं। फॉलोअर्स का कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, मेरे को 10 फॉलोअर्स में ही ग्रीन टिक मिल गया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देख सकते हो मेरे जो व्यूज़ है वो 3-4 हज़ार के आसपास चले जाते हैं और लास्ट में आप देखते हो लास्ट की वीडियो जो है इसमें 20K+ मेरे व्यूज़ गए। ठीक है, तो लाइक व्यूज़ सब कुछ अच्छे से मिलता है। और इसके बाद मुझे एक कॉल भी आया था, जब भी मुझे ग्रीन टिक मिल गया था मेरे प्रोफाइल पे तो जो पिकजोन एप्लीकेशन का ऑफिशियल नंबर से मुझे कॉल आया था और मुझे एक गिफ्ट यानी कि एक टी शर्ट पिकजोन के लोगों के साथ एक टी शर्ट आती है वो मुझे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने मेरे से व्हाट्सअप से डिटेल ली है, मेरे जो एड्रेस प्रूफ है वो लिया है, एड्रेस लिया है और मेरे एड्रेस पर जो टी शर्ट आने वाली है जब भी आ जाएगी, मैं एक टी शर्ट पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको भी ग्रीन टिक मिल जाता है तो आपको भी एक गिफ्ट मिलेगा, टी शर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये डिटेल थी दोस्तों जो ग्रीन टिक मिलने के बाद जो फ़ायदे हैं इसकी अगर बात करें
तो एक टी शर्ट आपको मिलती है और गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टी शर्ट के अलावा कुछ और भी मिल सकता है। और दूसरी बात, व्यूज़ अच्छे आते हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। और दूसरी बात एक और भी है दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने कॉल किया तो और भी बेनिफिट्स के बारे में मैंने बोला था उनको, तो उन्होंने बोला कि आपके 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो पेमेंट मिलते हैं, जो कुछ फिक्स पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 1500 से लेकर 2000-3000 तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो ग्रीन टिक के लिए यहाँ पर पिकजॉन एप्लीकेशन पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।